नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपके बीएससी पार्ट थर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड शुरू की थी, जो कि थी कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम पहले ही 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए आपका 7वां लेक्चर लेके आए हैं। देखते हैं इस लेक्चर में क्या है आपके लिए। इस लेक्चर में देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं हम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जो कि थी ओसाजोन फॉर्मेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसाजोन फॉर्मेशन को आप जरूर पढ़िएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, इंटर कन्वर्जन, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि कल हमने एक इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें हमने, हमने देखा था कि एल्डोज से कीटोज किस प्रकार बनाए जाए, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करना था। उसमें हमने एक एग्जांपल लेकर चले थे। अब एल्डोज से कीटोज बनाना तो कोई एग्जांपल भी लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एल्डोज से कीटोज किस प्रकार बनाएंगे या इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे। या ये पूछ सकता है सीधे कोई एल्डोज दे दे यानी ग्लूकोज दे दे और कह दे कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाओ, कैसे बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, क्योंकि हमने कल देखा था। या उसका रिवर्स भी पूछ सकता है, कह दे कि आपको कोई कीटोज दे दे कि कीटोज से एल्डोज बनाओ, यानी कि ऐसा दे दे फ्रक्टोज दे दे और फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप दूसरा कन्वर्जन देखते हैं आज हम। और दूसरा इंटर कन्वर्जन क्या है हमारा, आज हम देखेंगे कीटोज से एल्डोज में परिवर्तन। आपको कह सकता है कि कोई कीटोज लो यानी कीटोनिक शुगर, सॉरी कीटोनिक शुगर, और उसको कन्वर्ट करो किसमें, एल्डोज में, एल्डोनिक शुगर में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई ना कोई एक एग्जांपल लेकर तो चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो दी नहीं है कि कौन सी शुगर को कन्वर्ट करना है। तो जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जन है वो क्या होगा, या तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज में या तो फिर फ्रक्टोज से ग्लूकोज में, क्योंकि ये तो आपकी इंपॉर्टेंट शुगर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे पूछ सकता है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी कि फ्रक्टोज से हम ग्लूकोज किस प्रकार बनाएंगे, देखते हैं। कल हमने देखा था ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन, आज हम देखेंगे फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन। तो फ्रक्टोज क्या होता है, पहले फ्रक्टोज बना लेते हैं। फ्रक्टोज होता है CH2OH, दूसरे वाले कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप, उसके बाद वही सेम जैसे ग्लूकोज होता है CHOH का होल थ्राइस, और नीचे क्या है हमारे पास CH2OH। क्या है ये है हमारा फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। अब इससे हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है, जबकि ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक समूह होता है। दूसरे कार्बन पर देखें कीटोनिक ग्रुप है, जबकि ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वही देखना है कि अब हम इन दोनों कार्बन पर कन्वर्जन कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं हम आगे। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये कन्वर्जन करना है। पहले देख लेते हैं हमें कन्वर्जन क्या करना है, हमें ये कन्वर्जन करना है। CH2OH ये कन्वर्जन करना है। फ्रक्टोज से क्या बनाना है हमको, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, देखते हैं वो आपको क्या शुगर दी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन करना है। तो हम देखते हैं कि ये इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे कल हमने देखा था कि कुछ स्टेप्स थे, जब हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया था तो कुछ स्टेप्स देखे थे कि पहले ये होगा, उसके बाद ये रिएक्शन होगी, उसके बाद ये रिएक्शन होगी, इस तरह से। तो आज भी कुछ स्टेप्स में होगी, तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, निम्न स्टेप्स में होती है। यहाँ लिख सकते हैं यह परिवर्तन, यह परिवर्तन निम्न पदों में होता है।
देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेप आएंगे। आपको बस क्या करना है, कुछ स्टेप्स याद रखने हैं जिनमें पदों में होता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या करना पड़ेगा, कीटोनिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में, सॉरी एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज करना है। कीटोनिक ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज करना है, ये यूं कहते हैं कि ये जो कीटोज है ये क्या है, कीटोज है। कीटोन को किस में चेंज करना है, एल्कोहल में चेंज करना है। तो यहां लिख सकते हैं पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करना है, कीटोज को एल्कोहल में अपचयित करना है। ये जो रिएक्शन होगी कीटोज की, कीटोनिक ग्रुप की, ये जो कीटोनिक ग्रुप है इसका एल्कोहल में परिवर्तन होगा। जब कीटोनिक ग्रुप को एल्कोहल में परिवर्तन करेंगे तो ये क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। जबकि एल्कोहल का कीटोनिक ग्रुप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब हमको क्या करना है, उल्टा करना है, कीटोनिक को एल्कोहलिक में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, अपचयन होगा, यानी कि सबसे पहले हमें फ्रक्टोज का क्या कराना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपचयन करा दिया, उसके बाद क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल है ये, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद एल्कोहल को एल्कोहल लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एल्कोहल को ऑक्सीकृत करेंगे। पहले क्या किया, कीटोन का रिडक्शन किया, एल्कोहल बनाया, अब जो एल्कोहल बनेगा उसको क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे। तो क्या हुआ, एल्कोहल को एल्कोहल को क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक एल्कोहल को सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, एल्डोनिक अम्ल में ऑक्सीकरण करते हैं सावधानी पूर्वक, क्योंकि रिएक्शन बहुत सेंसिटिव होती हैं, रिएक्शन बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इनको बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि अब जो एल्कोहल बनेगा, जैसे ही हम इसे एल्डोनिक अम्ल में चेंज करेंगे, ये क्या करेगा, यह क्या करेगा, यह एल्डोनिक अम्ल, जैसे क्या बनेगा, एल्डोनिक अम्ल बनेगा, ये तुरंत क्या करेगा, तुरंत जल का अणु त्याग कर, तुरंत क्या करेगा, तुरंत जल का अणु त्याग कर लैक्टोन बनाएगा, लैक्टोन का निर्माण करेगा। लैक्टोन क्या होते हैं भाई, जानते होंगे, खड़े में आ गए लैक्टोन तो जानते होंगे, एस्टर का नाम सुना है कभी, एक तो होते हैं एस्टर इस तरीके से R C डबल बॉन्ड O O R, ये क्या है, एस्टर। लेकिन ये कैसा है, ओपन चेन है, खुली श्रृंखला वाला एस्टर है। ठीक है, और एक एस्टर होते हैं हमारे इस तरीके से, ये क्या है, ये भी एस्टर है, लेकिन कैसा एस्टर है, ये साइक्लिक एस्टर है। क्या है ये, ये है साइक्लिक एस्टर, और ये जो साइक्लिक एस्टर होते हैं इनको बोलते हैं लैक्टोन। तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर तुरंत जैसे एल्डोनिक एसिड बनेगा, ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालकर किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टोन में चेंज हो जाएगा, यानी लैक्टोन की फॉर्मेशन कर लेगा। लैक्टोन क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टोन कहते हैं। ठीक है, जानते ही होंगे आप सभी, होशियार बच्ची हुई। आगे देखते हैं क्या होता है, लैक्टोन का निर्माण होता है, फिर लैक्टोन का क्या होगा, फिर लैक्टोन को क्या करना पड़ेगा, हमें अपचयन करना पड़ेगा, लैक्टोन का अपचयन करना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, लैक्टोन का अपचयन, लैक्टोन का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, एल्डोज यानी कीटोज दिया था, कीटोज से हमको क्या मिल जाएगा, एल्डोज प्राप्त होता है। तो हमने अभी यहां पर कुछ लिखा नहीं था, फ्रक्टोज लिया है, ग्रुप क्या लिया है, सिर्फ हमने क्या लिया, एल्डोज को हमने क्या, सॉरी कीटोज से हमने क्या बनाया है, एल्डोज बनाया है, और
जिस भी कोई सा भी हमको कीटोज दिया हो, चाहे फ्रक्टोज दिया हो या फ्रक्टोज के अलावा कुछ भी दिया हो, वहां सेम स्टेप, ये जो मैंने स्टेप्स दिखाए हैं सेम स्टेप फॉलो होंगे। तो हम जो लेकर चल रहे हैं क्या लेकर चल रहे हैं, फ्रक्टोज लेकर चल रहे हैं, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। आपको जो भी एल्डोज शुगर दी गई हो, जरूरी नहीं 6 कार्बन वाली शुगर दी गई हो, 5 कार्बन वाली दी जा सकती है, 6 कार्बन वाली दी जा सकती है, 4 कार्बन वाली भी दी जा सकती है, तो सभी में स्टेप सेम ही रहेंगे। अगर हमको कीटोज से एल्डोज बनाना है तो स्टेप क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये स्टेप्स आपको याद करने के कैसे कैसे करना है, अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। सभी रिएक्शंस में यही स्टेप होगा अगर कीटोज को एल्डोज में चेंज करना है तो, कोई भी कीटोज दिया हो, चाहे फ्रक्टोज हो या इसके अलावा कुछ और हो। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये था हमारे पास, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका अपचयन करना है। क्या करना पड़ेगा, इसका अपचयन करना पड़ेगा। इसका ये जो कीटोनिक ग्रुप दे रखा है इसका अपचयन करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में। क्या बना लेगा, CH2OH। सी जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या है, दो तरह की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, एक तो ये जैसे ये OH सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो एक तरफ तो OH इस साइड भी हो सकता है, जिधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है OH उस साइड भी जुड़ सकता है या OH अपोजिट साइड भी जुड़ सकता है। अगर OH इस तरीके से जुड़ा तो ये क्या बनता है, CH2OH। अगर OH किधर है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। OH किधर की साइड है, राइट साइड, यानी कि हमारे सीधे हाथ में हमारी राइट साइड में है। अगर OH राइट साइड में तो इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, ऐसे सॉर्बिटॉल हमने पहले भी बनाया है, ग्लूकोज की रिएक्शन देखिएगा उसमें सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन किया है। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में तो इसे क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। लेकिन ये भी तो बन सकता है इसका आइसोमर, जरूरी तो नहीं सॉर्बिटॉल ही बने, ये भी तो बन सकता है, सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन हो सकती है ना। हालांकि यहां पर क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग से होगी। अगर आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो ये कैसे आइसोमर्स होते हैं, ये होते हैं कन्फिग्यूरेशनल। कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, एक कन्फॉर्मर्स होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, एक होते हैं कन्फिग्यूरेशनल। कन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, एक संरूपण और एक विन्यासी। तो संरूपण में क्या होता है, संरूपण में तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो जाती है, और जो विन्यासी होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं होती, केवल क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन से एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, समावयवी रूपों में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये जो कार्बन है इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, हो सकता है अगर OH ग्रुप राइट साइड हो तो जो बनेगा पदार्थ उसको क्या कहेंगे, सॉर्बिटॉल। और अगर लेफ्ट साइड हुआ तो ये क्या बनेगा, यही तो कहलाता है मैनिटॉल। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, अगर हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करा रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, दो आइसोमर बन सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समावयवी। और इनकी जो समावयवता होगी वो कौन सी होगी, विन्यासी समावयवता। आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करो, बादाम बादाम खाया करो भाई, इतनी जल्दी जल्दी भूलोगे तो क्या होगा। फिर केमिस्ट्री आगे भी अगर आप में से कोई ऑप्ट करता है आगे की क्लासेस में केमिस्ट्री को, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें भूलोगे तो। ये तो बेस है केमिस्ट्री का, ये जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह, ये क्या है, ये तो बेस है। यहाँ से बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, आगे पूरी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समावयव बन गए। एक में OH ग्रुप राइट साइड है, एक में OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, और अगर लेफ्ट साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनिटॉल बोलते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, याद करो, अब क्या करना पड़ेगा। जैसे ही ये क्या था, ये कीटोज शुगर थी, कीटोज था, और कीटोज से क्या बन गया, अब तो यहाँ पर कोई भी कीट ना तो कीटोनिक ग्रुप है, क्या इसके अंदर कोई भी कीटोनिक ग्रुप है, नहीं है। कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया, वो भी कैसा, पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। सारे एल्कोहलिक ग्रुप ही तो है इसमें, लेकिन एक नहीं है, एक से कई ज्यादा है, बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप है, इसीलिए मैंने क्या लगाया, पॉली क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है इसमें बहुत सारे। तो जिसमें OH ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल बन गया।
किससे? कीटोज से रिडक्शन किया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल बना, उसमें दो चीज बन सकती है, दो हमारे क्या कहते हैं कंफॉर्म क्या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन से? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, हिंदी में बोलूं तो विन्यासी समावयव। क्या बोलेंगे? विन्यासी समावयव, विन्यासी समावयवता जो होती है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था, अब हमको क्या कराना पड़ेगा, ये जो एल्कोहल बने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसका क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। अब दो तरह के बने, एक तो मैनिटॉल है हमारे पास और एक है हमारे पास सोर्बिटॉल। तो सोर्बिटॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या मिलेगा? अब जो रिएक्शन होगी वो केवल कहां होगी? कार्बन नंबर वन, ये टू था, ये वन कार्बन है, तो ये जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा किसका? ये जो कार्बन नंबर वन पर ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर, इसका ऑक्सीकरण होगा। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीकरण कराते हैं जब हम हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। ग्लूकोज में देखिएगा, जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीकरण कराते हैं पहले क्या बनता है, यहाँ आप लोगों ने कभी क्या कहते हैं सेकेंड ईयर में अल्कोहल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, अगर याद होगा तो। सेकेंड ईयर में एक अल्कोहल नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें अल्कोहल का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण दो तरीके से हो सकता है, ये वन डिग्री अल्कोहल है, पहले कार्बन से अगर देखे तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जो ऊपर वाला जो कार्बन है वो वन डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हैं। तो वन डिग्री अल्कोहल से सबसे पहले ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे? प्रबल ऑक्सीकारक। दो तरह के ऑक्सीकारक लेते, क्या लेंगे हम यहाँ पर? प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे। तो CH2 को किस में चेंज कर देगा? जो पहला कार्बन था CH2OH जो था उसको चेंज कर देगा COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। और बाकी का ऐसे कैसे ही रहेगा, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? या मैं इसको खोल के लिख दूं तो आपको पहचान में आ जाएगा ये क्या है, क्योंकि हम ये पहले भी बना चुके हैं। ये पार्ट कौन सा? ये पार्ट ग्लूकोज में और फ्रक्टोज दोनों में ही क्या होता है? सेम होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जब उस संयोजन का निर्माण किया था हमने देखा था, ये वाला पार्ट ग्लूकोज में भी सेम होता है, फ्रक्टोज में भी सेम होता है, केवल डिफरेंस कहाँ होता है? पहले और दूसरे कार्बन पर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस कहाँ होता है? केवल पहले और दूसरे कार्बन पर होता है, बाकी तो सब सेम है। तो ये तो ग्लूकोज में मौजूद है, तो अब ये क्या बन गया? ये हम पहले भी बना चुके हैं, अगर आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे थे, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया था हमने प्रबल ऑक्सीकारक से, या दुर्बल ऑक्सीकारक भी ले लें, जब हमने ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीकरण करवाया था, तो कुछ एसिड कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनी थी, इसी का नाम था, इसी को तुमने नाम दिया था ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया? ग्लूकोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया ये? ग्लूकोनिक एसिड। ये जो बनाया इसको क्या कहते हैं हम? ग्लूकोनिक एसिड। किससे? सोर्बिटॉल से। अगर सोर्बिटॉल है और सोर्बिटॉल का अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। लेकिन ये तो मैनिटॉल है, मैनिटॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ पर ऑक्सीकरण कराए COOH, बाकी यहाँ देखें इस कार्बन पर OH इस साइड है, H इस साइड है, OH, CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोनिक एसिड था और ये मैनिटॉल है, तो मैनिटोलिक एसिड, ये क्या बनेगा? मैनिटोलिक एसिड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये डिफरेंट है। अगर आप देखोगे ग्लूकोज में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दूं तो ये पूरा ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड होता है ना, तो ये ग्लूकोनिक एसिड है। जबकि यहाँ देखें दूसरे नंबर कार्बन पर, बाकी यहां से यहां तक तो सेम ही है दोनों में, कहां से यहां तक तो सेम ही है, ये भी सेम है, यहां से यहां तक सेम ही है, बस डिफरेंस कहां है? डिफरेंस कहां है? इस कार्बन नंबर दो पर, ये पहला कार्बन है, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, इसमें OH ग्रुप इस साइड है, ये ग्लूकोनिक एसिड है, इसमें OH ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड है, ठीक है। जबकि हमें क्या बनाना है? हमें तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है। अगर OH ग्रुप इस साइड रहेगा, अगर OH ग्रुप इस साइड रहेगा तो इसका मैं आगे जो भी रिएक्शन कराऊंगी
कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा ना, कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OH ग्रुप क्या है लेफ्ट साइड है, जिसमें OH ग्रुप क्या है लेफ्ट साइड। लेकिन हमें तो 100% रिएक्शन चाहिए, यानी कि हमें तो पूरा पूरा क्या बनाना है, कुछ और बनाना ही नहीं है, फ्रक्टोज से सीधे क्या बनाना है ग्लूकोज बनाना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रिएक्शन करना पड़ेगा इसको कि ये जो है किसमें चेंज हो जाए, ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाए, ताकि जब हमें दोनों तरफ से ग्लूकोनिक एसिड मिले, यहाँ से भी ग्लूकोनिक एसिड मिले और यहाँ से भी ग्लूकोनिक एसिड मिले, तो वो कंप्लीट 100% प्रोडक्ट क्या हो जाए, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए। जो हम आगे रिएक्शन करेंगे उससे क्या हो जाए, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, 50% ग्लूकोनिक एसिड बना, 50% कुछ और बना। तो हमको जो ग्लूकोज मिलेगा वो तो 50% मिलेगा और 50% कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। हम तो नहीं चाहते रहे कुछ और प्रोडक्ट मिले, हमें तो ग्लूकोज ही चाहिए। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो इसको अगर मुझे चेंज करना है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में, तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा पिरिडीन के साथ। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा पिरिडीन के साथ। जब मैं इसे पिरिडीन के साथ हीट करूंगी, जब मैं इसे पिरिडीन के साथ क्या करूंगी, हीट करूंगी, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। यानी कि ये जो OH ग्रुप इस साइड था, अब कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और बाकी तो जैसे का वैसे ही जैसा था। CH मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CHOH का होल था CH2OH, क्या बन गया ये ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब तो यहां से भी ग्लूकोनिक एसिड मिला है और यहां से भी ग्लूकोनिक एसिड मिला है, तो आगे की जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, ग्लूकोनिक एसिड मिल गया तो आगे की जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो किससे होगी, ग्लूकोनिक एसिड से होगी। किससे होगी, ग्लूकोनिक एसिड, दोनों ही सेम है। तो मैं रिएक्शन वहां से कराऊंगी, यहां से कराऊंगी, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, वो भी ग्लूकोनिक एसिड है और ये भी ग्लूकोनिक एसिड है। तो आगे क्या होगा देखते हैं। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, जैसे ही एसिड बनेगा, एल्डोनिक एसिड बनेगा, यानी ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, एल्डोनिक एसिड से मतलब ग्लूकोनिक, एल्डोस, एल्डोस वाला एसिड, एल्डोस वाला एसिड कौन है, एल्डोस कौन सा है हमारे यहाँ पर, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वाला एसिड यानी कि ग्लूकोनिक एसिड। तो मैंने बोला जैसे ही ग्लूकोनिक एसिड बनेगा तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और किसका निर्माण होगा, लैक्टोन। किसका निर्माण होगा, लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर। अब देखते हैं एस्टर का फॉर्मेशन होगा कहां से, होगा कहां से, एक तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो कौन से वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक होगा, रेसिड्यू बाहर निकलेगा और साइक्लिक अल्कोहल को, सॉरी साइक्लिक लैक्टोन या साइक्लिक एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक एस्टर, लैक्टोन बनेगा। तो अगर हम यहां से देखें, ये अटैक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से रिंग फॉर्मेशन करें तो चार मेंबर की रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होती, यहाँ से करें तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी। और अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वाल्डविन रूल, 5-membered रिंग इज मोर स्टेबल ओवर 6-membered रिंग। यानी वाल्डविन के अनुसार 5-सदस्यीय वलय जो होती है वो 6-सदस्यीय वलयों से ज्यादा स्थायी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करेगा और लेप्टोन की फॉर्मेशन करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH H OH H। ठीक है, कौन सा, यहां से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये वाला चौथा वाला कार्बन, इसका जो हाइड्रो, इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा और बाकी का अपना वैसे ही OH H और नीचे CH2OH। क्या बन गया, ये लैक्टोन बन गया। क्या बन गया, लैक्टोन, C डबल बॉन्ड O O, एस्टर, एस्टर बन गया, साइक्लिक एस्टर। और साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। किससे बना है, ग्लूकोनिक एसिड से बना है, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोनोलैक्टोन। क्या बन गया, लैक्टोन बना, कौन सा, ग्लूकोनो लैक्टोन। क्या है, ग्लूकोनो लैक्टोन, या इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, गामा लैक्टोन। आपको इतना लंबा चौड़ा नाम याद ना रहे, ग्लूकोनो लैक्टोन, तो इसको क्या बोलते हैं, गामा लैक्टोन भी बोलते हैं। अब लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको, इसका अपचयन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका अपचयन करेंगे सोडियम अमलगम के साथ, किसके साथ,
सोडियम अमलगम NaHG के साथ क्या करेंगे इसका अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसका, साइक्लिक एस्टर का। तो ये जो रिंग है ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये जो रिंग है क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, इसका अपचयन हो जाएगा। ये अपचयन हम दो तरीके से कर सकते हैं, सोडियम अमलगम के साथ भी कर सकते हैं या अम्लीय माध्यम में भी कर सकते हैं। कहां, अम्लीय माध्यम में भी अपचयन को करा सकते हैं, ये जो अपचयन है इसको अम्लीय माध्यम में भी करा सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा जैसे ही रिंग ब्रेक होगी यहाँ पर H, ये OH, H, OH, H, H, यहाँ पर सॉरी रिंग तो ब्रेक हो गई और कार्बन पे ऑक्सीजन तो पहले से ही था, जैसे ही रिंग ब्रेक होगी एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यही तो किया तो वही होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया और ऑक्सीजन तो पहले से ही था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बाकी तो जैसा था वैसा ही रहेगा CH2OH। कहाँ पर गड़बड़ हुई, हाँ ये गलत है, क्या यहाँ H है और यहाँ पर OH, तो ये OH और ये क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया ग्लूकोज, यही तो होता है हमारा ग्लूकोज। तो इस तरह से हम फ्रक्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले क्या किया, सीटोरी ग्रुप को अपचयन किया, अपचयन किया तो दो आइसोमर बने, सोर्बिटोल और मेरिटोल, सोर्बिटोल भी बन सकता है और दोनों ही बने, बन सकता है नहीं, बनेंगे, आधा सोर्बिटोल बनेगा आधा मेरिटोल, यानी 50% सोर्बिटोल 50% मेरिटोल। फिर क्या करेंगे, जैसे ही अल्कोहल बने इनका ऑक्सीकरण कराएंगे, सोर्बिटोल डायरेक्ट ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड से क्या मिलेगा, ग्लूकोज, लेकिन मेरिटोल जो ऑक्सीकृत होगा ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं है, ये तो कुछ और है, ये मेरिटोल है तो ये क्या हो जाएगा, मेरिटोलिक एसिड, ठीक है, लेकिन मेनोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्या होगा, मेनोलिक एसिड, यहाँ से ग्लूकोज नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ से आगे रिएक्शन करूंगी तो क्या बनेगा, मेनोज बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा यहाँ से, क्या बनेगा यहाँ से, मेनोज बनेगा, तो ये क्या है, मेनोलिक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ से मेनोज बनेगा, जबकि हमें तो मेनोज बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन करना है। तो हम अगर 50% मेनोज बनेगा ग्लूकोज बनेगा कोई फायदा नहीं, हमें तो 100% ग्लूकोज चाहिए, तो हमको कुछ ऐसी रिएक्शन करनी पड़ेगी कि ये जो एसिड बना है मेनोल मेरिटोल का वो किसमें चेंज हो जाए, और लैक्टोन का हम रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे सोडियम अमलगम के साथ या अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या होगा, ये जो रिंग है ये टूट जाएगी और हमें हमारा ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगला परिवर्तन देखते हैं, अगला इंटर कन्वर्जन क्या है, मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए, एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया, अगला इंटर कन्वर्जन ऐसे दे दिया कि हमारे पास निम्नतर एल्डोज है, क्या है, निम्नतर एल्डोज। अब तक हम क्या कर रहे थे, एल्डोज का कीटोज में या कीटोज का एल्डोज में परिवर्तन कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम अब तक, एल्डोज से कीटोज बना रहे थे, कीटोज से एल्डोज बना रहे थे, अब हम एल्डोज से एल्डोज ही बनाएंगे। क्या ऐसा भी तो दे सकता है एग्जामिनर कि नहीं भाई हमें कीटोज में चेंज नहीं कराना, हम तो आपको एक एल्डोज दे रहे हैं और उसको दूसरे एल्डोज में चेंज करना है। अब कैसे एल्डोज दे सकते हैं, या तो आपको निम्नतर एल्डोज देंगे, अब जरूरी तो नहीं ग्लूकोज ही देंगे, एल्डोज में कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ ग्लूकोज ही तो नहीं होता एल्डोज, केवल ग्लूकोज ही तो नहीं है मोनोसेक्राइड में, और भी होते हैं, तीन कार्बन, जब आपको याद हो मैंने ट्री बनवाया था तो मैंने बहुत सारे एल्डोज लिखवाए थे, है ना, याद होगा आपको, इरीथ्रो, थ्रीओ, थ्री मेंबर वाले, फोर मेंबर वाले, ठीक है, थ्री मेंबर वाले एल्डोज भी थे, चार फोर मेंबर वाले एल्डोज भी थे जिसमें चार कार्बन थे, पांच कार्बन वाले एल्डोज भी थे, छह कार्बन वाले एल्डोज जो कि आपकी ग्लूकोज फ्रक्टोज उसमें सॉरी ग्लूकोज आता है जिसमें छह कार्बन वाले, तो जरूरी नहीं आपको छह कार्बन वाला दे, हो सकता है आपको क्या दे, पांच कार्बन वाला एल्डोज दे दे और कहे कि चलो इसको चेंज करो किसमें, छह कार्बन वाले एल्डोज में, छह कार्बन वाला एल्डोज मतलब ग्लूकोज में चेंज करो, ठीक है। तो देखते हैं ये इंटर कन्वर्जन कैसे होगा,
तो आपको ऐसे दे सकता है कि निम्नतर एल्डोज का उच्चतर एल्डोज में परिवर्तन, कोई सा भी एल्डोज हो सकता है निम्नतर जिसमें कम कार्बन हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उच्चतर एल्डोज बनाना है, इसका मतलब कार्बन ऐड करना है। यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन को बढ़ाना है, ठीक है। जो भी हमारा शुगर होगी, जो भी एल्डोज दिया गया होगा, उसमें एक कार्बन को और बढ़ाना है, कार्बन अप करना है, चेन अप करनी है। क्या करनी है, चेन अप। चेन अप का मतलब चेन बढ़ानी है, कार्बन चेन बढ़ानी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो चेन अप रिएक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं किलियानी सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, ये तो चेन अप का मैकेनिज्म था, रिएक्शन था, किसने दिया था, किलियानी ने दिया था, साइंटिस्ट थे किलियानी, तो उन्हीं के नाम से इसे जाना जाता है किलियानी सिंथेसिस, या चेन अप रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चेन अप रिएक्शन, कार्बन चेन को बढ़ाना, या दूसरा नाम है इसका बहुत फेमस, किलियानी सिंथेसिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये दे दे, निम्नतर एल्डोज में आपको ये दे दे अरेबिनोज। क्या दे दे, अरेबिनोज। अरेबिनोज क्या है, जो मैंने शुरुआत में आपको कार्बन वो सॉरी शुगर का ट्री बनवाया था, उसमें देखना अरेबिनोज क्या है, तो आपको दिखेगा पांच कार्बन वाला एल्डोज। कितने कार्बन होंगे इसमें, पांच कार्बन वाले एल्डोज को क्या बोलते हैं, अरेबिनोज बोलते हैं। आप देखिएगा अरेबिनोज भी होता है, राइबोज, दो तरह से, एक राइबोज था अरेबिनोज, तो राइबोज भी हो सकता है, अरेबिनोज भी दे सकते हैं। वो मैकेनिज्म सेम रहेगा, जो मैं यहाँ मैकेनिज्म दिखाऊंगी, मैकेनिज्म सेम रहेगा उसको, चेन अप। तो कोई सा भी आपको एल्डोज दे दिया जाए निम्नतर, उससे बस आपको क्या करना है, उच्चतर एल्डोज बनाना है, और वही स्टेप होंगे, वही मैकेनिज्म होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या दे दे, ये दे दें कि अरेबिनोज का किसमें परिवर्तन कर दे, ग्लूकोज में परिवर्तन, ऐसा भी दे सकते हैं डायरेक्ट लिख के कि आपको दिया है अरेबिनोज, इसका परिवर्तन करो, चेंज करो इसे ग्लूकोज में, या अरेबिनोज के बजाय कोई सा भी निम्नतर एल्डोज दे दें, सेम मैकेनिज्म होगा। तो ये जो परिवर्तन होता है कौन से मेथड से होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में देखो तो किलियानी संश्लेषण बोलते हैं इसे, किलियानी सिंथेसिस, किलियानी संश्लेषण। क्या बोलते हैं इसे, किलियानी सिंथेसिस। ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन अप रिएक्शन, चेन को बढ़ाना है, चेन अप कर दिया सॉरी, चेन सी एच आई एन, चेन अप रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, चेन अप, यानी चेन को, कार्बन चेन को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होंगे, डायरेक्ट हम रिएक्शन कराते हैं, मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग ना लिखवाते हो मेरे को, क्योंकि किसी बच्चे का कमेंट आया था, पता नहीं आप लोगों में से आए थे, सेकंड ईयर में से आया था, बोला था मैडम आप रिएक्शन ज्यादा कराते हो, लिखवाते नहीं हो। अरे जो मैं बोल रही हूँ उसको आप तुम नोट करते जाओ, है ना, क्लास तो है नहीं कि मैं बोल बोल के तुमको नोट करवाऊँ, और हर चीज यहाँ पर नोट करवाऊंगी तो एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बोलती जा रही हूँ उस चीज को आपको शब्दों में उतारते जाओ, और रिएक्शन जो करा रही हूँ रिएक्शन को अलग से लिख लो, ठीक है। तो मेरी मेहनत बच जाएगी, मैं शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो लेक्चर है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो उसमें ज्यादा रिएक्शन हो पाएंगे एक लेक्चर के अंदर, वरना तो फिर एक लेक्चर में दो ही रिएक्शन करा पाऊंगी अगर मैं बार बार स्टेप्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे ये रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन से लूंगी। मान लो मेरे पास डी अरेबिनोज दे रखा है, क्या दे रखा है, डी अरेबिनोज। तो क्या होता है डी अरेबिनोज, ये होता है पांच कार्बन होंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ पर पांचवा कार्बन सी एच टू ओ एच OH, H, क्या है ये, अरेबिनोज, B अरेबिनोज है। इससे हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये रिएक्शन कैसे होगी अपना, मैं उम्मीद करती हूँ सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में मैकेनिज्म सीखे होंगे तो आपको चीजें समझ में आती होंगी। यहाँ से क्या मिलेगा, H प्लस और CN माइनस, ऐसे तो मिलेगा, ये टूटेगा इसमें H प्लस में और CN माइनस में टूटेगा। यहाँ पर देखिए कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या मिला, H प्लस और CN माइनस, तो यहाँ से CN माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर,
जैसे ही ऑक्सीजन पर बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा पहला तो, है ना। और दूसरा क्या, ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा, है ना। तो नेगेटिव आवेश को कौन ले लेगा, नेगेटिव आवेश क्या करेगा, एच प्लस ले लेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, ओ एच में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव ओ माइनस बनेगा, क्या करेगा वो एच प्लस ले लेगा और ओ एच में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम जो अभी पिछले वाले रिएक्शन में हुआ था बिल्कुल वैसे ही सेम होगा, जब उसका कीटोनिक समूह का हमने अपचयन कराया था तो दो तरह के आइसोमर बने थे, एक सोर्बिटोल बना था और एक मैरिटोल बना था। अब यहाँ पर भी तो सी डबल बॉन्ड ओ है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी दो आइसोमर बनेंगे, क्या होगा यहाँ पर ऐसे बन सकता है, हो सकता है CN ने अटैक किया, CN माइनस ने अटैक किया, CN यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, तो ये हो सकता है OH इस साइड हो और बाकी का मैं ऐसे लिख दे। बाकी का मैसेज लिख दे, ये भी बन सकता है यानी OH ग्रुप कहाँ हो, राइट साइड में हो, या ये भी बन सकता है कि OH ग्रुप कहाँ पर हो, लेफ्ट साइड में हो, CN यहाँ जुड़ा, OH ग्रुप कहाँ, लेफ्ट साइड में हो, तो यहाँ पर भी दो आइसोमर बन गए। क्या क्या बन गए यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या बन गए, दो आइसोमर बन गए CH2OH, ठीक है। अगर तुमको याद हो क्या बनाइए, ये CN साइनाइड वाला रिएक्शन मैंने ग्लूकोज में भी कराया था, ठीक है, अगर तुमको याद हो तो। ग्लूकोज में जब मैंने अटैक कराया था, क्योंकि ग्लूकोज से बनाया था तो वो क्या बने थे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, क्या बने थे, साइनोहाइड्रिन बने थे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, साइनोहाइड्रिन है, लेकिन कैसे, एक में OH ग्रुप राइट साइड है, एक में OH ग्रुप लेफ्ट साइड है। तो अब जैसा आपको याद हो, जब हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी थी तो उसमें हमने दो नाम दिए थे, एक अल्फा और एक बीटा नाम दिए थे ना, एक बनाया था अल्फा और एक बनाया था हमने बीटा। तो अल्फा में क्या होता है, अल्फा में क्या था, OH ग्रुप रिंग के अंदर था यानी राइट साइड में था, तो ये कौन सा होगा, अल्फा साइनोहाइड्रिन, ये क्या बनेगा, अल्फा साइनोहाइड्रिन, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बीटा साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, जो भी हमारा एल्डोज दिया है, न्यूनतम एल्डोज, उस पर रिएक्शन करानी है HCN की। जैसे ही हम HCN की रिएक्शन कराएंगे साइनोहाइड्रिन बनेंगे, दो आइसोमर बनेंगे, एक अल्फा बनेगा और एक बीटा, एक में OH ग्रुप राइट साइड होगा और एक में OH ग्रुप कहाँ होगा आपका, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। अब आगे क्या रिएक्शन होगी, ये अलग है, ये अलग रिएक्शन देगा, है ना। तो अगर आपने 12th में बहुत पढ़ते हैं हम ये रिएक्शन का, ये काफी बार रिएक्शन की जाती है कि कौन सा ग्रुप है, CN ग्रुप है, CN ग्रुप है, क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, साइनाइड, जिसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं ना। तो ये ग्रुप है, इसको किसमें, इसका जब हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें अम्लीय माध्यम में, क्या कर दें इसका, अगर मैं इसे अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से NH3 गैस जो है क्या बाहर निकल जाती है, NH3 गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप था किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये 12th में बहुत करते हैं हम रिएक्शन, आप लोगों ने भी की होंगी, ठीक है, ये 12th में करते हैं रिएक्शन, बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत ही कॉमन छोटी सी रिएक्शन है। तो हमको यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन करना पड़ेगा, H2O से रिएक्शन करानी पड़ेगी, जल अपघटन करना पड़ेगा, H2O से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CN किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। अब ये क्या, OH H H OH H OH OH H CH2OH, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा COOH H OH L OH H OH। अब ये बिल्कुल पीछे वाले रिएक्शन जैसा हो गया, पीछे वाले रिएक्शन मतलब इससे पहले जो रिएक्शन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही बन गया। ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड, क्या बन गया है ये, ग्लूकोनिक एसिड।
और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया है, ये बन गया है मेलोनिक एसिड। क्या बन गया, मेलोनिक एसिड। जबकि हमें तो किसमें चेंज करना है, ग्लूकोज में चेंज करना है, मैनोज में चेंज नहीं करना, डी अरेबिनोज को डी ग्लूकोज में चेंज करना है, डी मैनोज में नहीं करना। अगर आपको, हाँ एक बात याद रखिएगा, मैं तो डी ग्लूकोज लेकर चल रही हूँ, अगर आपको बोले कि डी मैनोज बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको मेलोनिक एसिड में चेंज करना पड़ेगा और बाकी की रिएक्शन वैसे करानी पड़ेगी जैसे ग्लूकोज में हमने पिछले रिएक्शन में कराई थी। तो क्या बनेगा, डी मैनोज बनेगा। और अगर हमें ग्लूकोज में चेंज करना है तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। और इसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करना है, ये तो क्या बना, मेलोनिक एसिड। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ ग्लूकोनिक एसिड बना क्योंकि ग्लूकोज बनाना है मुझे, तो ग्लूकोनिक एसिड चाहिए। तो मेलोनिक एसिड को चेंज करने के लिए ग्लूकोनिक एसिड में क्या करूंगी, पीछे वाले रिएक्शन है दस पीछे जो किया है, पिरिडीन के साथ हीट करूंगी। पिरिडीन के साथ जैसे ही मैंने हीट किया, OH ग्रुप इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेशन से तो नहीं हो सकता, यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन तो नहीं करा सकते, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये भी क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। आगे क्या करना है, आगे आप सभी जानते हैं क्या करना है, सेम वही इससे पहले जो रिएक्शन में किया था वही तो स्टेप आ गई, फिर से लौट कर जो इससे पहले रिएक्शन में किया था वही स्टेप तो आ गई, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ग्लूकोनिक एसिड जैसे ही बनेगा, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बना, हीट किया, यहाँ से H2O बाहर, और H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा, लैक्टोन बनेगा, लैक्टोन बनेगा, लैक्टोन बना लो भाई, OH, H, OH, H, ये दोनों से रिएक्शन होगी। जैसे वो ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ये भी ग्लूकोनिक एसिड है, मतलब दोनों सेम है, तो मैं यहाँ से रिएक्शन दिखा दे रही हूँ, ठीक है। पहले वो भी ग्लूकोनिक एसिड में चेंज होगा, बाकी ये दोनों मिल जाएंगे और आगे की रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। OH, H, CH2OH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो ऑक्सीजन था, ये चौथा नंबर कार्बन था, ये क्या बना लेगा, लैक्टोन बना लेगा। क्या बना लेगा, लैक्टोन। ग्लूकोनिक एसिड से बना है तो इसका नाम होगा ग्लूकोनो लैक्टोन, ऐसी का एक और नाम था गामा लैक्टोन। क्या बन गया, ग्लूकोनो लैक्टोन या गामा लैक्टोन बन गया। अब मैं इसका क्या करा दूंगी, वही सोडियम अमलगम के साथ अपचयन या अम्लीय माध्यम में अपचयन, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगी तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन गया, ग्लूकोज। यानी कि हम लेकर चले थे पांच कार्बन वाला एल्डिहाइड, सॉरी एल्डोज, एल्डिहाइड नहीं, क्या है ये, शुगर है, शुगर में क्या लगता है, ओज लगता है, यानी एल्डोज। तो हम क्या लेकर चले थे, पांच कार्बन वाला एल्डोज, और क्या बन गया हमारे पास, छह कार्बन वाला एल्डोज, यानी निम्नतर एल्डोज का परिवर्तन कर दिया हमने किसमें, उच्चतर एल्डोज में। कौन से मैकेनिज्म से, किलियानी सिंथेसिस, कौन से रिएक्शन से, इसको क्या बोलते हैं, किलियानी फिशर से, इसका पूरा नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग नहीं है, किलियानी सिंथेसिस है, किलियानी फिशर सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं चेन अप रिएक्शन, क्या भी बोलते हैं इसको, चेन अप रिएक्शन। अब जैसे चेन अप रिएक्शन होता है, तो चेन डाउन रिएक्शन भी होता है, यानी कि एक कार्बन को घटाकर, यानी उच्चतर हमको एल्डोज दिया जाएगा, उसमें से एक कार्बन को हटाना है और निम्नतर एल्डोज बनाने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।